हार्टियस कंग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ ग्रेट ग्रेट जॉब. थैंक यू सो मच मैम। राइट, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ यू मस्ट बी फीलिंग राइट नाउ. एक्सप्रेस इन वर्ड्स। So, डॉक्टर ब्रजेश, यू वर विद अस विद द बेसिक प्लान, एडवांस प्लस प्लान, एंड द वन शॉट यस, वन वन शॉट बेसिक प्लस प्लान। बेसिक प्लस एंड द वन शॉट. राइट, यस मैम। सो यू हैव यू डन एनी फेस टू फेस क्लासेस आल्सो और ओनली दिस वन? No, ma'am, I haven't done any face-to-face classes. This was the only one who we have connected to DBMCI. Okay. So, shall we start? Your Wi-Fi plan is okay. Wi-Fi network is okay. Yeah, ma'am, it's all set. Okay, Okay, so shall we start? ma'am. Oh, hello everyone, and I'm very, very excited to be with Dr. Brijesh, who has come up with the amazing rank of 13 in the recent NEET-PG 2024, which was a tough paper, I suppose. Yes, Dr. Brijesh. Yes, ma'am, absolutely. And I was in evening shift. Oh, how are you feeling, first of all? Ma'am, it can't express in just words. But yeah, I am feeling elated since last night. From when the result has got declared, I haven't still I can't believe that I have done this good and I have secured rank of 13th. I have check my result almost 10 times that is it mine only or not? Yes. Because So, लोग कहते हैं कि इट इज टू गुड टू बी ट्रू जैसा हो गया था कि नहीं, ये इतना अच्छा तो नहीं हो सकता। यू वर इन शिफ्ट वन और शिफ्ट टू? नो मैम, आई वाज इन शिफ्ट टू। यू वर इन शिफ्ट टू. तो आई थिंक शिफ्ट टू पेपर वाज इवन स्लाइटली मोर टफ देन शिफ्ट वन, व्हाट आई गॉट द यस जनरल मैम, रिपोर्ट. मेनी फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स आल्सो अग्री विद दैट दैट शिफ्ट टू वाज बिट डिफिकल्ट, बट ऑन द बैलेंसली दोनों सेम ही थे। ऑलमोस्ट 3-4 क्वेश्चन का एक था मैक्स बस, बाकी सब तो डिफिकल्टी लेवल तो सेम ही था ऑलमोस्ट दोनों पेपर का। ब्रिजेश, हाउ डीबीएमसीआई हैज हेल्प्ड यू इन दिस डिफिकल्ट जर्नी? आई थिंक नीट पीजी 2024 वाज अ डिफिकल्ट टास्क एंड द अदर नीट पीजीज टू दिस टाइम. मैम फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मैंने पेपर देखा ना तो मुझे ऐसा स्ट्राइक हुआ कि नहीं, ये पेपर है जो जो जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा है, कि जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं अंदर से पूछता कि नहीं, डिफिकल्ट पेपर आया है तो अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो इसमें मैं शाइन होके बाहर निकलूंगा। अगर इजी पेपर आता तो सबके रैंक्स आ जाते, तो उसमें वो वन इन द मिलियन वाली फीलिंग नहीं आती। बट यस, डिफिकल्ट पेपर था। आई वॉज हैप्पी इवन आफ्टर द पेपर। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड दैट नो, आई कुड मेक थ्रू टॉप 100 रैंक, बट हैवंट एक्सपेक्टेड दिस रैंक। So, Brijesh, you were our basic plus user, and you had also subscribed for the one shot. How these have helped you in coming up in one amongst million, what you are saying? मैम बेसिक प्लस में तो क्या है कि एमसीक्यूज थे, सब बोलते हैं कि जितने ज्यादा एमसीक्यू स्कोर उतना ज्यादा अच्छा है, एंड एमसीक्यूज वाज रियली वेरी गुड। इनफैक्ट एक एमसीक्यू मैं बताता हूँ, ऑर्थोपेडिक का एक एमसीक्यू था बेसिक्स से, वो एमसीक्यू डिटो मतलब उसके जैसा एक एमसीक्यू था, वो नेल प्लेटिंग वाला एक एमसीक्यू आया था, वो कहीं पे भी किसी ने भी नहीं पढ़ाया था, पर वो क्वेश्चन बैंक में सेम एमसीक्यू मुझे दिखा था। वो मेरी 6 महीने पहले की मेमोरी की वजह से वो एमसीक्यू मेरा करेक्ट हो गया। उस दिन में इतना खुश हुआ था कि नहीं, वो क्वेश्चन बैंक मैंने सोल्व की तो उसकी वजह से मेरा बहुत अच्छा गया है। उसके बाद वन शॉट में क्या था कि देर आर द डेज वेन लगता था कि नहीं, आज मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, तो फिर क्या कि नहीं, वो 4 घंटे 3-4 घंटे का वीक रिविजन सेशन होता था, तो मैं देख लेता था कि 1.5x में या
1.8x में देख लेता था, तो मेरा पूरा रिवीजन हो जाता था। कोई भी टॉपिक छूट रहा है, सपोज जैसे सपोज आप है तो कोई टॉपिक छूट गया ऑफ था का, तो उसमें मैंने देख लिया कि नहीं मैम ने ये टॉपिक हाईलाइट किया है, मेरे से छूट रहा है, तो मुझे जाके उसको अभी क्रिस्प करना है फिर से। तो फिर वो मैं टॉपिक चाहता था, नोट डाउन कर लेता था जो अपने नोट्स में था, जो मेरा सोर्स था रिविजन का उसमें, और वो बहुत हेल्प किया है मुझे, क्योंकि जब मैं बोर फील करता था तब मैं सारे वन शॉट देख लिए मैंने। ठीक है, यू हैव सीन ऑल दी वन शॉट वीडियोस, सारे ऑल वीडियोस, तो नहीं कह सकता, ऑलमोस्ट देखे हैं मैंने। ऑलमोस्ट सारे वीडियोस देखे हैं। तो कौन से वन शॉट वीडियोस सबसे ज्यादा अच्छे लगे, विच हैव हेल्प्ड यू द मोस्ट? मैम एज यू नो अश्विनी कुमार सर, देन सुशील विजय सर, पूजा मैम का भी अच्छा था, राजीव सर आपका, सबके मैंने जितने भी देखे वो सब, इट वॉज टू द पॉइंट। कुछ कुछ एमसीक्यूज ऐसे थे कि जब मैं जीटीस में देता था तब मुझे सोल्व नहीं हो पा रहे थे। वन शॉट देखा, मुझे लगा कि नहीं ये टॉपिक जीटी में आया था पर मैं उस टाइम सोल्व नहीं कर पाया था, कि वन शॉट में अगर शायद आ गया है तो वो मैं नोट डाउन कर लेता कि नहीं इधर टॉपिक दिया हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम मेरे से वो गलती ना हो फिर से। So what do you think is the most important thing about the one shot? अब आपने बोला कि you were not able to solve from the GTs, but you were able to solve it from one shot. हाँ, सम So what क्वेश्चंस is the मैम, most important thing about it? कुछ टॉपिक्स क्या रहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स रहते हैं, हम सोर्स तो लिमिटेड रहेगा प्रेपरेशन का, तो वो एमसी कहीं मेरा कहीं पे भी आ गया है, गलत हुआ है, फिर वन शॉट के अंदर वो टॉपिक आया है कि ये टॉपिक मैम ने पढ़ा है, अगली पिछली बार मेरा गलत हुआ था, तो मैं वो अच्छे से फोकस से पढ़ता था, नहीं ये टॉपिक अगली बार तो गलत नहीं होना चाहिए, एक बार हो गया सो हो गया। तो डू यू थिंक कि जो क्रिस्प रिविजन हमने दिया वन शॉट में इन द लास्ट, दैट वुड हेल्प, दैट वाज हेल्पिंग इन द रिविजन? यस मैम, इट हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि अगर हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, वंस हमने मेन नोट्स पढ़ लिए, एक बार रिपीट डिवीजन वगैरह जो भी है वो हमारा खत्म हो गया, हमें सब फंडामेंटल्स क्लियर है, फिर वो गो थ्रू करने के लिए बेस्ट सोर्स है, क्योंकि आप 4 घंटे का वीडियो है अगर आप 1.5x में देखते हो तो 2.5 से 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, तो आपको एक सब्जेक्ट 2.5 से 3 घंटे के लिए बेस्ट चीज है, 2.5 से 3 घंटे में आपका पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जा रहा है। एंड स्पेशली वेन द नीट पीजी पेपर पोस्टपोन, उसके बाद एवरीबडी वॉज इन ब्लैकआउट, वॉट डिड यू या हैव? सब ब्लैंक थे कि क्या करना है अभी, तो उस टाइम पे अगर हम उस फ्रेंकली बोलू तो तब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था, एक पेज पढ़ता था फिर टेंशन में कि यार अभी नहीं दूसरी बार पोस्टपोन ना हो जाए, तो क्या रहता है कि अगर हमारा वीडियो सब वीडियो चालू है तो उस पर फोकस रहता है, क्योंकि पढ़ने में हमें कभी कभी बोर फील करते हैं, पर वीडियो जब चालू रहता है वो इजिली हम गो थ्रू कर सकते हैं 2.5-3 घंटे के अंदर, वो मूवी जैसा हो जाता है कि नहीं एक मूवी हमने मूवी देखा जैसा लगता है, उसके हमारा एक एग्जैक्टली। सब्जेक्ट क्लियर हो जा रहा है। और जो क्वेश्चंस आपने किए वो सिमिलर थे टू द क्वेश्चंस जो मेन एग्जाम में आए, या मैम कुछ कुछ थे द मैम, लेवल ऑफ द क्वेश्चंस? या मैंने बोला ना कि जो एमसीक्यू था वो किसी को भी पता नहीं था, वो एमसीक्यू गॉड नोस की उनकी कृपा हो रही होगी कि वो क्वेश्चन भी मेरे से सोल्व करवाई, और मैंने वो एमसीक्यू वहां देखा, वहां मेरा गलती हुआ था वो एमसीक्यू, पर वो गलत हुआ इसलिए मेरे दिमाग में रह गया कि नहीं ये गलत हुआ, नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए, और वो सेम क्वेश्चन लाइक उसके जैसा ही क्वेश्चन उधर आया, वो बहुत मतलब सब एग्जाम्पल निकल दी कर मैंने रिकॉल देखा, वो बोल रहे हैं कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये कहीं पे भी पढ़ाया हुआ नहीं है, पर वो क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया था उसकी वजह से मेरा सोल्व हो गया, तो 5 मार्क्स बच गए मेरे अगर मैं गलत करता तो। तो राइट, मतलब क्वेश्चंस जो करे हुए थे वो कुछ कुछ उस पैटर्न के आए, सिमिलर क्वेश्चंस आए जिससे कि हेल्प मिली, क्योंकि वो ही क्वेश्चन अगर देखा हुआ होता है तो ऑब्वियसली आप उसे अच्छे से रिकॉल कर पाते यस हो। मैम एब्सोल्युटली, वो सब क्या कि एक्टिव हो मैम क्वेश्चन बैंक सोल्व करते हैं तो वो बेनिफिट रहता है, पैसिवली हम सिर्फ देखते जाते हैं कि नहीं ये हो गए ये हो गए ये गए, उससे बेनिफिट नहीं होता। मैं क्या करता था कि उसके मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है नीचे एक एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों ऐसा आंसर आ रहा है, बस वो एक्सप्लेनेशन दिमाग में रह जाता है ना एक बार, और एमसीक्यू में क्या रहता है हमें क्विक लर्निंग मिलता है, अगर हम गो थ्रू करेंगे टेक्स्ट बुक्स पे और नोट्स में तो उसमें शायद कभी कुछ छूट जाए, पर अगर इसमें क्या रहता है कि हमारा गलत हुआ है तो हमें लगता है कि नहीं इस ये तो अभी नेक्स्ट टाइम तो गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए हम और फोकस से पढ़ते हैं कि नहीं ये इस बार गलत हुआ अच्छे से पढ़ लो, इस टॉपिक का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए। तो व्हाट यू यूज्ड टू डू, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो हाउ यू यूज्ड टू बुक मार्क इट सो दैट यू नो कि यू हैव टू कम बैक टू दिस क्वेश्चन फॉर रिव्यू? बुक मार्किंग वॉज
ट्रिकी फॉर मी, मैं बुक मार्क से ज्यादा पढ़ नहीं पाता था क्योंकि वो मेस अप हो जाता था सारी थिंग्स। तो मैं क्या करता था, जाता था एमसीक्यू कोई अच्छा लगे तो एमसीक्यू, वरना वो जो दिया होता था डिस्क्रिप्शन या सोल्यूशन उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता था। फिर सारे सब्जेक्ट वाइज उसको ना अच्छा लिस्ट आउट करके रखे थे कि सपोज ओक्टा के सारे क्वेश्चन है, सपोज 50 to 60 क्वेश्चन है जो मेरे गलत हुए थे या बहुत अच्छे से बाई चांस सही हो गए थे, पर अच्छे क्वेश्चन थे कि जो मुझे लास्ट टाइम देख के जाने हैं, तो मैं उसका फोल्डर बना के रखता था। जब भी टाइम मिले, सपोज मैं आज ओक्टा पढ़ा है, ओक्टा पढ़ने के बाद मैं उस सारे क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेता था कि नहीं अब इस बार कितना रिटेन हुआ है, पिछली बार मेरे ये गलत हुए थे, इस बार कोई इंप्रूवमेंट आया है कि नहीं, उससे मुझे बहुत अच्छे से हेल्प हुई। तो और क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने कलीग्स को एंड जूनियर्स को? मैम एडवाइस में तो क्या बोलूँ मैं, पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर एक बार बेस बनाने में टाइम लगता है वो तो फेक है। मैंने सेकंड ईयर से स्टार्ट किया है, फाइनल ईयर तक मैंने पूरा बेस क्लियर किया है। बेस क्लियर करने में 3 से 3.5 साल लग जाते हैं। अगर हम बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर हम कुछ भी पढ़ लेंगे वो हमें दिक्कत ही आएगी कि नहीं ये डायरेक्टली वो रटना पड़ेगा मतलब हमें कॉन्सेप्ट्स इज द की, डिटेल स्टडी इज द की। इन 2024 नीट कॉन्सेप्ट वाज द की वन दैट वी कैन से, बिकॉज़ देयर वर एमसीक्यूज व्हिच नो वन हैज रेड फ्रॉम एनीवेयर, बट व्हाट इफ सपोज कोई दूसरे एमसीक्यू सॉल्विंग की हमने प्रैक्टिस की है तो उसकी वजह से हमारा जो एमसीक्यू सॉल्विंग जो पावर अंदर आती है उसकी वजह से काफी एमसीक्यू मेरे सही हुए। मैंने मेरे आके मेरे फ्रेंड को बोला था कि मेरे 130 to 140 में मैं कॉन्फिडेंट था कि नहीं वो तो सही है मेरे, पर बाकी जो मैंने दो दो रूल आउट करके और मैंने जो एमसीक्यू पहले सोल्व किए थे कैसे मैं सही करता था कैसे गलत करता था वो एप्लीकेशन करके मैंने इस रैंक 13 तक पहुंच पाया हूँ। राइट, तो व्हाट डिड यू डू व्हेन देयर वाज अ पोस्टपोनमेंट? वो एक सडन पोस्टपोनमेंट था, दैट वाज अ वेरी वेरी आई थिंक द वर्स्ट टाइम इन द जर्नी ऑफ द नीट पीजी 2024। तो ऑन दैट डे व्हेन द पेपर गॉट पोस्टपोन्ड टिल द डे व्हेन पेपर होना था, व्हाट डिड यू डू इन दैट पीरियड? मैम ऑन दैट नाइट आई हैव कंप्लीटेड ऑल द सिलेबस बिफोर 10 PM आई वाज कमिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड माय फ्रेंड कॉल्ड मी दैट नीट पीजी हैज गॉट पोस्टपोन्ड। ऑन दैट सेम डे नीट यूजी पेपर वाज आल्सो देयर, सो आई हैव टोल्ड दैट नो नो नीट यूजी का पेपर पोस्टपोन हुआ होगा क्योंकि उसका कोर्ट और वो केस चल रहे थे, इसलिए मैं बोला नहीं अपना तो कल यही 6 बजे जाना है तो उठ जाना इन सब में मत पड़। 10:30 बजे सब बोलने लगे कि पोस्टपोन पोस्टपोन पोस्टपोन, तो तभी तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाया, मैं हंसे ही जा रहा था कि ये क्या हुआ, मैं बिलीव ही नहीं हो पाया कि अनसुटेबल था। 8 घंटे बचे थे। अभी मैं 6 बजे निकलने वाला था घर से और 10 बजे पहुंचते में 8 घंटे ही बचे थे एक्सेप्ट, सोने जा रहा था। फिर वो नींद ही नहीं आई पूरी रात, पूरा एक हफ्ता निकल गया कि पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा था कि अभी कैसे पढ़े, क्योंकि वो 3 4 महीने जो इतने फोकस से पढ़ा था मेंटल फटीग आ गया था, माइंड ने वो स्लिप कर रहा था कि 23 जून के बाद पढ़ना तो यही नहीं, बुक ओपन करनी ही नहीं है, तो वो माइंड उसी मोड में चला गया था। अगर बुक ओपन करूं फिर भी 5 मिनट में ऑटोमेटिक बंद हो जाती थी। फिर मैंने रजत सर है उनके मोटिवेशन वीडियोस देखे, देट हेल्प मी अलॉट। फिर मैंने स्टार्ट किया पहले से, तो ट्रैक पे रहने के लिए क्या किया मैं व्हेन यू ट्रैक केम पे बैक रहने टू के लिए स्कूल? अंदर से मोटिवेशन कि नहीं इस बार मैंने जीटी में ये परफॉर्म किया है तो नेक्स्ट जीटी में मुझे इससे तो अच्छा ही परफॉर्म करना है। माय कंपटीशन वाज मी, मैं किसी के और का नहीं देखता था कि इसको 650 आए मेरे क्यों 550 आए, मेरे इस बार 550 आए तो मुझे 570 करने हैं नेक्स्ट जीटी में। तो सो मेनली रिवाइज किस सोर्स से किया? क्या आपने मेन नोट्स डिटेल वाले दोबारा पढ़े दैट और यू कुड रिवाइज फ्रॉम द वन शॉट? यस मैंने मेरा क्या था कि मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, एट द एंड ऑफ फाइनल ईयर मेरे सारे नोट्स कंप्लीट हो चुके थे। फिर इन इंटर्नशिप, माय इंटर्नशिप वाज क्वाइट हेक्टिक, तो मैंने क्या किया कि जो मेरे नोट्स थे मुझे पता था कि अगर मैं इसमें से पढ़ने बैठा तो 3 4 महीने में एक ही रिविजन मेरा हो पाएगा, तो मैंने ऐसा सोर्स बनाने की ट्राई की कि 15 15 दिन के अंदर एक मेरा पूरा रिविजन खत्म हो जाए। तो मैंने वो हैंड रिटन नोट से कंसाइज करके मैंने छोटी नोट्स बना दी कि सपोज 800 to 900 pages की मैंने नोट्स बना दी, मुझे उसी में गो थ्रू करना है और उसी में रिवाइज करते रहना है। मैंने मार्च में मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई मार्च एंड में, अप्रैल 6 से मैंने चालू किया था, मुझे अभी तक डेट याद है, 6 अप्रैल से स्टार्ट किया था मैंने। मैंने 11 अगस्त तक 8 to 10 revision कंप्लीट किए थे उस सोर्स के, क्यों, क्योंकि मेरे पास कंसाइज सोर्स अवेलेबल था और वन शॉट हैज डन द सेम फॉर द स्टूडेंट हु कांट डू दिस मच।
फ्रॉम लार्ज नोट्स टू शॉर्ट नोट्स एंड सम पीपल आर बोर्ड टू गेट सेल्फ हैंड रिटन नोट्स एंड आल्सो सो इन दैट वे आल्सो वन शॉट हेल्प्स अ लॉट. ओके तो अश्वनी सर का यू टोल्ड मी एंड नॉट मी सर तो है ही लेजेंड, देयर इज नो कंपैरिजन. और कौन से वन शॉट वीडियोस थे जो तुमको लगा कि आर वेरी वेरी गुड फॉर द रिवीजन? मैम अश्विनी सर देन सुखिल विजय सर उनका और तो मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता किसी और के साथ, उनका और तो इज अ लीड. देन राजीव शेट्टी सर का पीएसएम भी बहुत अच्छा है, आपका ऑफ था दिस टू फाइव सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे थे. इनफैक्ट आपकी तो मैंने जो पार्सन सीरीज थी तब मैं जब थर्ड प्रॉप में था वो मैंने यूट्यूब से पार्सन सीरीज भी पढ़ी थी साथ साथ में मेरे प्रॉप की प्रिपरेशन के लिए. Alright, तो amazing journey, Brijesh, and amazing, amazing Frank. First of all, I would say that you have done a great job. Not only you have completed the NEET PG examination, but also the NEET PG 2024. That was a stressful time, and that too in the shift two. That was a tougher paper with amazing rank of 13. So heartiest congratulations from whole of the team DBMCI, and we wish you all the very best for your future endeavors too. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. It means a lot. Thank you. God bless you. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Brijesh. And heartiest congratulations once again from the whole DBMCI team. Thank you. May I leave now? Yeah, you may. Thank you. Thank you so much.